कैसे मिलेगी एक नई जॉब, क्या स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए, मैं इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ये सवाल अक्सर आपके मन में आते हैं जब भी आप किसी नए इंटरव्यू के लिए जाते हैं। आपके मन में ये रहता है कि मैं उन सभी स्किल्स को अपने अंदर लेकर आऊं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सवाल ये आता है कि ये स्किल्स हैं कौन सी। अगर आप भी एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन स्किल्स की जो एम्प्लॉयर्स एक एम्प्लॉय में अक्सर ढूंढते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इन स्किल्स में सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। हमें अपने क्लाइंट के साथ इस तरह से बात करनी चाहिए जिससे हमें उसकी सारी एक्सपेक्टेशन और उसकी सारी डिमांड अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हमारे मैनेजर ने हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी है तो वो हमें अच्छे से समझ आ जाए और हम उनको फॉलो कर सकें और अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग कर सकें। किसी भी जॉब में जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड गलतियां करना बहुत भारी पड़ सकता है। अब ये भी हो सकता है कि उन गलतियों की वजह से हमारा काफी समय बर्बाद हो जाए या हमारी रेपुटेशन को भी दाग लग सकता है। अब सवाल ये आता है कि भाई मैं अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करूं। अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन और अपने एक्सप्रेशंस दोनों पर काम करना पड़ेगा। हम किस तरह से अपने मैसेजेस को डिलीवर करें ताकि सामने वाला अच्छे से समझ पाए। देखिए, इसके लिए लिसनिंग स्किल्स पे भी काम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अपनी लिसनिंग पे काम करते हैं और दूसरे के मैसेज को अच्छे से समझते हैं तभी आप अच्छे से आंसर कर पाते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी भी इंसान को सब कुछ मालूम नहीं होता। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फील्ड में क्या क्या नई डेवलपमेंट हो रही हैं और हम उनसे लगातार कैसे सीख सकते हैं। एम्प्लॉयर्स को ऐसे एम्प्लॉयज बिल्कुल नहीं चाहिए जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, बल्कि एम्प्लॉयर्स ऐसे एम्प्लॉयज़ को ढूंढते हैं जो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो नई नई चीज़ों को सीखने में या नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करते हैं। अब इसके लिए तो आपको लगातार नई नई चीज़ें सीखना पड़ेगा। तो आप ये कर कैसे सकते हैं? आप खुद को नई चीज़ें सीखने के लिए अब चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी नई स्किल हो, नई हैबिट हो या कोई भी एक हॉबी हो सकती है। हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए तैयार रहें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जिससे आपकी एक तो इंटरपर्सनल स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएं और आप खुद को एक बेहतर एम्प्लॉय बना सकें। आज के टाइम में क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी जॉब आज के टाइम में इस बात पर डिपेंड करती हैं कि इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कितनी है या फिर वो कितना क्रिएटिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर जॉब में आपको बहुत बड़ा आर्टिस्टिक रोल निभाना पड़ेगा या फिर आपको एक आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा एक अलग नज़रिया होना चाहिए। कुछ फील्ड ऐसे भी होती हैं जिसमें आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है, जैसे कोई भी पेपर वर्क हो गया या फिर कोई भी आर्ट वर्क हो गया। अब मैं तो क्रिएटिव हूँ नहीं, तो मैं अपने अंदर ये स्किल लेकर कैसे आऊँ? क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप लेकर पैदा होते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप सीख सकते हैं। खुद को थोड़ा क्रिएटिव बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स को सॉल्व करें, नए आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करें जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकें। टीम वर्क के बिना काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक एम्प्लॉय के अंदर टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद से कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे टास्क ऐसे भी होते हैं जो हम दूसरों के साथ मिलकर करते हैं। एक अच्छे टीम प्लेयर होने का मतलब ये है कि आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें और आगे बढ़कर चीज़ों को संभालें। इसका मतलब ये भी है कि जिस इंसान की जैसी काबिलियत है उसी के हिसाब से आप उसको वो काम डेलीगेट करें। बाकी स्किल्स की तरह भी टीम बिल्डिंग प्रैक्टिस के बाद आता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस को ढूंढें जिससे या जिनमें आप लोगों के साथ काम करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो 2 साल पहले तक किसको मालूम था कि इतने सारे लोग घर से बैठकर काम करेंगे। मतलब बहुत साफ है कि हमारे आसपास कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और उनके बारे में हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नई चीज़ों के हिसाब से खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो कोई नया सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई नई गाइडलाइन। फ्लेक्सिबल होना और बदलाव के हिसाब से खुद को चेंज करना आज के समय की
बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और एम्प्लॉयर्स इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आप भी अगर एम्प्लॉयर्स की पसंद बनना चाहते हैं तो अपने अंदर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो क्या आप भी पुराने तरीकों को फॉलो करते हैं या फिर कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं? सोचकर देखिएगा, जो पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके आने वाले इंटरव्यूज के लिए। और अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में भी हैं तो भी इन स्किल्स पे काम करके अपने आप को और भी बेहतर एम्प्लॉय बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।